जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम ऐसे खेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप सीट पर बैठ के देख ही नहीं सकते, जिसका खेल देखते देखते आपका पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाता है। भले आप इसको जुकुई बोलो, फुटबॉल बोलो, सॉकर बोलो या फुटबॉल, जबान भले अलग हो लेकिन स्पिरिट एक है। आज हम बात करने वाले हैं ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फुटबॉल टीम के बारे में, यानी TCET फुटबॉल टीम के बारे में। तो इस बारे में हमको बताने के लिए आज उस टीम के कैप्टन आज हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, जिनका नाम है शौर्य पुजारी। शौर्य पुजारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो शौर्य पुजारी, आप अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए। तो मैं TCET का कैप्टन हूँ, जैसे इनने बताया। फोर्थ ईयर मैकेनिकल में हूँ और लास्ट ईयर मैं ज़्यादा इनपुट दे नहीं पाया था टीम में। होपफुली इस साल, एक्चुअली मेरा इंजरी हो गया था लास्ट ईयर, तो इसके लिए मैं खेल नहीं पाया था। इस साल कैप्टेंसी मिली है तो बहुत आगे जाना। तो आपके अचीवमेंट्स के बारे में हमने बहुत सुना है कि आपके काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। आपके न्यूज़पेपर में तक फ़ोटो आए इनके, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। शौर्य पुजारी हैं, तो आप उस अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। अचीवमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक मैं नेशनल्स खेल चुका हूँ और HDFC बैंक के लिए खेल चुका हूँ। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको पता होगा, MFA करके होता है, उसमें HDFC बैंक की तरफ से खेल चुका हूँ। तो HDFC बैंक के लिए आप कितने साल तक खेल रहे हैं? अभी भी खेलते हैं या आपने? अभी इंजरी के बाद मैंने स्टॉप देख लिया, अभी रिज्यूम करने का देख लिया। सो आप अभी जैसा फुटबॉल टीम में अगर मुझे सिलेक्शन के लिए आना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है, और उसमें एक तरह से मतलब उसके अंदर आने के लिए मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर क्या स्पिरिट वो होना चाहिए मतलब सिलेक्ट करने के लिए? बेसिकली टीम गेम है तो सबको ये लगता है, जब हम सिलेक्शन ट्रायल्स रखते हैं तो सबको ये लगता है कि मैं ज़्यादा ड्रिबल करूँगा, ज़्यादा बॉल रखूँगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, ज़्यादा दिखूँगा। एक्चुअली हम लोग जब सिलेक्शन देते पहले तो कॉलेज का टीम ऑलरेडी होता है सीनियर्स के साथ, तो जहाँ पे हम लोग को वैकेंसी रहती है वहाँ पे प्लेयर्स ढूंढते हैं, और मेनली तो हम लोग टीम प्लेयर्स ढूंढते हैं, ना कि कोई जो सोलो खेले। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं वो क्लियर करूँ। तो आप ऐसे टीम मेंबर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना क्या इनपुट दे उसके? मैं अपने टीममेट से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपस में बॉन्डिंग अच्छा हो, जिससे हम लोग गेम में भी हमारा केमिस्ट्री दिख के आएगा। और सेकेंडली मैं डिसिप्लिन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लाइक टीममेट से मेरे को डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं कितना भी अच्छा प्लेयर हो तो कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री मेन बात यही आती है फुटबॉल खेलते टाइम, आपका बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। तो आप मतलब चाहते हैं कि जब आपका कोई टीम मेंबर रहे तो ऑलरेडी सोच के आए कि मैं एक टीम में खेल रहा हूँ और मुझे सबके साथ मिल बांट कर खेलना है, किसी के लिए कोई गलत भाव या ऐसे कुछ रखना नहीं, जो भी हो सब क्लियर हो। अच्छा, तो अभी जैसा आप बताएं कि आपके अचीवमेंट से, तो ठाकुर कॉलेज का आप जो फुटबॉल टीम है वो आप किस ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं, या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक साल में आप उसे किस इधर चले जाए? अब ऑनेस्टली बताऊँगा तो ये साल का टीम मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तक तो। फिलहाल मेन टूर्नामेंट्स हम लोग के आए नहीं, चालू हो जाएंगे तभी। तो ये साल मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि प्लेयर्स लास्ट ईयर से बहुत वर्क किए, मैंने डिसिप्लिन बोला तो वो भी दिखाया मेरे को प्लेयर्स में, तो जब डिसिप्लिन होता है तो इम्प्रूवमेंट उधर आता ही है, तो देखते हो फॉर द बेस्ट। और फिर अभी बात हो रही है फुटबॉल की, तो आपका फेवरेट प्लेयर आइडल आपका कौन है, और आप उसके ऐसे क्या क्वालिटीज़ है, उनके ऐसे क्या क्वालिटीज़ है जो आप खुद में इनकलकेट देखना चाहते हैं उसके? तो मेरा आइडल तो बेसिकली सुनील छेत्री है, उससे यही सीख मिलती है कि हाउ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो बंदे को देखो, उसका एज कितना हो गया फिर भी यंगस्टर्स उसको नहीं हरा पाते, उसका डिसिप्लिन ये लेवल पे है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि आजू बाजू वालों को भी वो इन्फ्लुएंस करता है उस चीज़ से। उसको देख के लोग सीखते हैं कि मेरे को भी ऐसा डिसिप्लिन रहना है, मेरे को भी ऐसा इम्प्रूव करना है, कभी रुकते नहीं है, तो ये मेन चीज़ है। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब टीम मेंबर थे तो आपने खुद को क्या इम्प्रूव किया कि आपको एक कैप्टन बनाया गया? तो पहले एक्चुअली मैं बहुत साइलेंट था थोड़ा टीम में, जब सेकंड ईयर में आया था
तो जो मेरे सीनियर्स थे उन लोग मेरे से आके पर्सनली बात करते थे कि तू प्लेयर अच्छा है बट मुँह नहीं खुलता ज़्यादा। तो सीनियर्स को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनसे मैं सीखा कि टीम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि टीम बैक ऑफ द गेम भी बहुत चीज़ें होती है। एज ए कैप्टन आपको स्क्वाड डिसाइड करने में भी बहुत प्रेशर होता है अलग अलग लोगों का, ऑब्वियसली एक बंदे का तो काम नहीं है वो, और फिर कॉलेज से परमिशन ये वो। तो सीनियर्स ने मेरे को यही सिखाया कि जो भी सर्कमस्टेंस हो काम रहना चाहिए, और जो मेरे साथ बाकी फोर्थ ईयर वाले सीनियर हैं वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सीनियर्स ने आपकी काफ़ी मदद की है, यानी आपको एक तरह से इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ थोड़ा पुश किया है उन्होंने, आपको मोल्ड किया है उस चीज़ के लिए। तो आपकी जर्नी में जानना चाहूँगा कि आप एज इन पहले कैसे थे, मतलब पहले तो आप जैसा बता रहे हो आप इंट्रोवर्ट थोड़ा टाइप के थे, बट आप उससे पहले यानी स्कूल टाइम से लेके अब तक की आप कैप्टनसी बनने तक की लेने तक की आपकी जर्नी आप कुछ लाइन्स में बता सके तो। एक्चुअली मैं फुटबॉल तो बहुत पहले ही चालू कर दिया था बचपन से, और मैं जो स्कूल में था वहाँ पे लाइक फुटबॉल को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मैंने टेंथ में आके स्कूल चेंज किया था। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, फुटबॉल के लिए किया था, फुटबॉल के लिए किया था जो डेडिकेशन है देखिए फुटबॉल में अच्छा है। तो सिर्फ टेंथ के लिए मैंने फुटबॉल के लिए स्कूल चेंज किया, फिर इलेवेंथ में भी मैंने जूनियर कॉलेज बहुत दूर चूज किया क्योंकि जो वो फुटबॉल में अच्छा था। तो लाइक बचपन से मैंने फुटबॉल को ही सब कुछ दिया, और ये पॉइंट पर आके मेरे को कैप्टनसी जैसा पोस्ट मिला है तो बहुत खुशी होती है जिस चीज़ के लिए वर्क किया है। सही, ऑब्वियसली होगा ही इतना खुशी जब किसी चीज़ को इतना पाने की कोशिश करो और वो जब हाथ में आता हुआ दिखे तो काफ़ी सुकून मिलता है उस चीज़ को। एंड ठीक है, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। एंड आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।